वेलकम टू माय चैनल प्रकाश पचला ब्लॉग्स। माय नेम इज प्रकाश पचला और आज मैं ये हेलमेट के बारे में बताऊंगा। ये रॉयल एनफील्ड के ये कॉम्प्लीमेंट हेलमेट है। ये इसका जेन्यून रिव्यू बताऊंगा, ट्रू रिव्यू कि इसको इसका मतलब। मैं आप जानते हैं कि मैंने नया बाइक लिया है, रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 स्टेलर रेड। तो जब अभी तो इंडियन गवर्नमेंट का एक रूल है कि कोई भी टू व्हीलर का सेल करते कोई भी टू व्हीलर कंपनी तो टू व्हीलर के साथ में एक हेलमेट कॉम्प्लीमेंट देना जरूरी है। तो इसलिए मुझे मेरा रॉयल एनफील्ड बाइक के साथ में एक कॉम्प्लीमेंट हेलमेट मिला। ये हाफ फेस हेलमेट और ये इसमें रॉयल एनफील्ड का लोगो बनी हुई है और यहाँ भी है और ये बैक साइड में भी है, आप देख सकते हो। तो मैं ऑलरेडी ये यूज़ किया हूँ कुछ दिन, तो मैं अभी इसका रिव्यू बताऊँगा कि कैसे रहता है। तो ये देखिए, ये अभी ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक्चुअली कहा जाता है कि ये हेलमेट जो है, पता नहीं ये लोग हाफ फेस हेलमेट क्यों दिया है ऐसा वाला हेलमेट। अब इतना खर्चा कर रहा है तो एक अच्छा वाला हेलमेट फुल फेस देना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोस एंड कॉन्स क्या है ये मैं बताऊँगा। इसमें मतलब कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है इसमें। सबसे पहले ये हेलमेट एक्चुअली रॉयल एनफील्ड का जो भी कंपनी, इसमें देखें जैसे नॉर्मल में अगर स्टील बर्ड स्टड्स का हेलमेट लेते हैं तो उसमें ब्रांड रहता है प्रिंट, लेकिन इसमें देखें रॉयल एनफील्ड, पीछे भी रॉयल एनफील्ड और कोई ब्रांड नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि ऐसे तो है ही है और ये रॉयल एनफील्ड लिखा है। क्यों? क्योंकि रॉयल एनफील्ड जो अपना खुद का बनाती है, एक्चुअली बनाती क्या है, ये भी वेगा का ही हेलमेट है, लेकिन वेगा के साथ में इसका कुछ पार्टनरशिप है, इसलिए ये वेगास का हेलमेट लेते हैं, लेकिन ये लोग अपना ब्रांड लगाते हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मतलब बेकार हेलमेट है, सस्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए इसके साथ में ये ब्रांडिंग है, इसका प्राइस और ये सब रॉयल एनफील्ड, और इसका देखिए, इसका आप देख सकते हो सिंपली कि कितना प्राइस है इसका। ये देखिए इसका 1825 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ 1825 रुपीस है। तो ये कोई सस्ता हेलमेट नहीं है, ये अच्छा हेलमेट है। इसके जो मैन्युफैक्चरिंग वाला भी दिया हुआ है, देखिए ये डब्बा में यहाँ आपको दिख जाएगा कि ये देखिए यहाँ लिखा है, देखिए ये मैन्युफैक्चर्ड बाय वेगा ऑटोमोटिव्स का वेगा, यहाँ देखिए ये लिखा है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय वेगा ऑटो एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड करके। तो मतलब वेगा का ही ये लोग देते हैं, लेकिन अपना ब्रांडिंग लगा के देते हैं। तो क्वालिटी वाइज देखा जाए तो ये बहुत मजबूत है। अगर आप नीचे भी दिया तो सेफ्टी जरूरी है, मतलब सेफ तो जरूर सेफ हो जाता है। हेड बहुत स्ट्रॉन्ग हेलमेट है, ये एंटी स्क्रैच वाइजर है, लेकिन इसमें एक मुझे दो तीन प्रॉब्लम्स ये लगा कि इसमें कौन सा क्या है कि इसमें अगर मैं पहन के देखूँगा तो देखिए यहाँ आपको ऐसे दिखेगा। तो अगर हाईवे में क्या हो जाता है कि ऐसे यह तो क्या है फेस दिख जाता है, लेकिन अगर आप हाईवे में चलाते हैं तो आजकल तो मास्क पहनते हैं, मैं तो क्या है स्पेशली वो बालकलावा वाला है वो पहन लेता हूँ फुल फेस वाला। तो अगर आप मैं पहन के चलाया उसके बाद में कि यहाँ से पहनने का, यहाँ अगर आपको 60-70 स्पीड में भी जाएंगे तो इतना हवा लगती है, इधर चिन प्रोटेक्शन नहीं है इसमें, ये हेलमेट में चिन प्रोडक्शन है, कभी अगर हम गिर जाएंगे तो ये चिन डैमेज होने के चांस रहता है, तो ये चिन प्रोटेक्शन नहीं है। ऐसे लोकल राइड के लिए, नियर बाई राइड के लिए ठीक है, लेकिन अगर हाईवे में अगर ड्राइव करना है तो ये हेलमेट कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये चिन प्रोटेक्शन नहीं है अगर गिर गया तो। और एक चीज़ है कि अगर हाईवे में अगर थोड़ा स्पीड से जाएंगे 60-70 स्पीड में तो यहाँ हवा इतना ज़्यादा लग जाता है, तो वो हवा की वजह से वो हवा अंदर भी आ जाता है आंखों में, तो अगर आप गॉगल्स नहीं पहनेंगे तो आंख में भी बंद होने के चांस रहता है। तो ये है। और अगर आप बारिश भी हो रहा है तो अगर रेनी सीजन में अगर आप ड्राइव कर रहा है तो पानी भी आपको लगेगा, आपका फेस भी भीग जाएगा, हेलमेट पहनने के बाद में भी फेस गीला हो जाएगा। तो इसमें ये पता नहीं है रॉयल एनफील्ड हाफ फेस हेलमेट क्यों दिया, अगर फुल फेस हेलमेट देना चाहिए। इसका ये है। और एक और है कि ये इसमें कोई भी कलर का गाड़ी ले लीजिए, लेकिन ये देता है ब्लैक ही देता है,
ये इसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर आपकी गाड़ी का कोई मैचिंग का मतलब नहीं होता है। जनरली क्या होता है, अगर आपको टू व्हीलर अगर खरीदते हैं, आपको पसंद के कलर का खरीदते हैं, तो वो कलर से अगर आप ऐसा हेलमेट लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसकी मैचिंग हो सेम कलर का, या नहीं तो कलर के साथ में थोड़ा अच्छा दिखे हेलमेट पहनने से, अगर गाड़ी और हेलमेट का मैचिंग हो। लेकिन इसमें रॉयल एनफील्ड ऐसा है कि ये प्योर ब्लैक दे देता है, तो ये प्योर ब्लैक यही देता है स्टैंडर्ड। अगर आप कोई भी ब्लू कलर ले लीजिए, ब्लैक ले लीजिए, येलो ले लीजिए, रेड कलर गाड़ी ले लीजिए, लेकिन ये देता है यही ब्लैक कलर हेलमेट ही देता है। तो मुझे ये सही नहीं लगा, इसमें कलर ऑफ कुछ भी होना चाहिए, रॉयल एनफील्ड देना चाहिए। और मैं रॉयल एनफील्ड को भी ये एडवाइस करूँगा, ये सजेस्ट करूँगा कि जो फुल फेस हेलमेट दिया जाए, क्योंकि ये हाफ फेस हेलमेट कोई फायदे नहीं है। अभी ये ऐसे चिन प्रोटेक्शन नहीं है, अगर आप गिरेंगे तो चोट लगने के चांस रहते हैं। तो ये है, और ख़ास करके मैं एडवाइस करूँगा, अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ जरूर बिल्कुल ये वाला हेलमेट यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग राइड के लिए नहीं है, लोकल ट्रिप के लिए ठीक है, तो लॉन्ग राइड के लिए आपको ये सही नहीं है। इसलिए मैं भी अलग से लॉन्ग राइड के लिए हेलमेट लिया, उसका भी आपको मतलब रिव्यू आपको मिल जाएगा, वीडियो आप देख लीजिएगा। और ये हेलमेट अभी चलो क्या है कि स्टैंड बाई हेलमेट हो गया कि एक्स्ट्रा कभी अगर दो लोग हैं पिलियन के लिए काम आ जाएगा, क्योंकि जनरली ड्राइव करते तो पिलियन से ज़्यादा फ्रंट वाला जो राइडर है वही ज़्यादा रिस्क में रहता है अगर एक्सीडेंट होता है तो पिलियन राइडर है, ऐसे भी तो लेडीज हेलमेट के लिए काम आ जाएगा। तो ये तो वैसे कोई ख़राब नहीं है, ये तो मैं यूज़ करूँगा, ये ऐसे लोकल के लिए चलेगा, लॉन्ग ड्राइव के लिए थोड़ा एडवांस वाला थोड़ा अच्छा क्वालिटी वाला हेलमेट यूज़ करेंगे। इसमें एक ही मुझे, इसमें सिर्फ दो चीज़ें मुझे अच्छी लगी है, कि स्टैंडर्ड अच्छा है, बहुत मजबूत है और स्टैंडर्ड अच्छा है पहली बात, और दूसरी बात यह है कि लाइट वेट है। बस ये लाइट वेट की वजह से मुझे मतलब ये पहन के चलाने में मज़ा आता है, क्योंकि ये बहुत हल्की है, बहुत हल्की वेट का है। तो अगर आप पहनेंगे तो इसमें पहनेंगे तो कोई भी मतलब आपको लगता नहीं कि मैं हेलमेट पहनूँ, इतना कंफर्टेबल है, मतलब कि बहुत लाइट वेट है, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ये लाइट वेट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बस यही है, प्रोस तो ज़्यादा नहीं है, प्रोस तो दो ही है, एक लाइट वेट है और क्वालिटी अच्छी है, बस ये है कि रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग रहता है। लेकिन कॉन्स ज़्यादा है, क्योंकि इसके जो हवा ज़्यादा है, हाफ फेस है, चिन प्रोटेक्शन नहीं है, लॉन्ग राइड के लिए यूज़ नहीं है, बारिश के मौसम में भी फेस में पानी आ जाता है, और यहाँ अगर यहाँ देखिए ये ऐसा बना है कि बारिश में पानी आ जाए तो पानी भी वाइजर के नीचे से यहाँ से फिर अंदर ही गिरना है, मुँह पे ही गिरना है, बालों में ही गिरना है, आगे ही गिरना है, और इसमें कोई एयर वेंटिलेशन भी नहीं है, कुछ नहीं है। यही अगर 1825 रुपीज़ के इसमें इसी रेंज में एक अच्छा हेलमेट्स मिल जाता है आपको, ग्लाइडर्स ले लीजिए, स्टड्स, स्टील वर्ड, वेगा, सारे मॉडल मिल जाता है। तो वही अगर उसमें अगर फुल फेस वाला हेलमेट अगर रॉयल एनफील्ड दिया होता तो बहुत अच्छा होता है। तो ये मेरा रिव्यू है, अगर आप देख लीजिए, मेरा एडवाइस ये कि लॉन्ग ड्राइव में ये यूज़ मत कीजिए, शॉर्ट ड्राइव में ठीक है, शॉर्ट राइड्स के लिए, नियर बाय प्लेसेस के लिए ये ठीक है, चलेगा, मतलब आपको अब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग है। अगर आपको कुछ भी हेलमेट नहीं होने से अच्छा कि ये हेलमेट है, अच्छा है, लेकिन अगर आपको अगर हो सकता है अगर आप लॉन्ग राइड के लिए अगर प्लान करते हैं तो एक अच्छा हेलमेट फुल फेस वाला हेलमेट ले लीजिए। जो अभी का टाइम में तो मैं एडवाइस ये करूँगा डबल वाइजर वाला हेलमेट लीजिए, ताकि आपको कूलिंग का भी, गर्मी के मौसम में भी कूलिंग का काम आ जाएगा। तो ये है मेरा रिव्यू है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए, कि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को बताइए मेरे चैनल के बारे में, ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा कि और भी अच्छी वीडियोस मैं बना सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर माई वीडियो, थैंक यू गाइस, बाय।